अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदी। सबसे पहले हेडलाइन। दहशत गर्दों ने तलबा को भी न बख्शा, क्वेटा में आईटी यूनिवर्सिटी की बस के करीब धमाका, 4 अफराद जान बहक, 70 से ज्यादा जख्मी। स्पीकर रूलिंग केस, फहमीदा मिर्जा ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 18 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला एक सजाई याफ्ता शख्स कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इजहार यकजहती के लिए सिंध में वकला की हड़ताल, अदालतों का बायकॉट। कराची अमन को तरस गया, 12 घंटों में मजीद 6 अफराद की सांसें छीन ली गई। मसीहा फिर जिद पर उतर आए, पंजाब भर के अस्पतालों में काम बंद, मरीज परेशान। मुल्तान में गैस्ट्रो वबा की शक्ल इख्तियार कर गया, निश्तर अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। नवाज शरीफ की शहदाए ग्यारी के लवाहकीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। तवानाई बहरान पर शहरियों का पारा चढ़ गया, कई शहरों में एहतजाज, फैसलाबाद में मुश्तइल अफराद ने दुकानें लूट ली, पुलिस की शेलिंग। सिंध असेंबली भी तवानाई बहरान का शिकार, इजलास के दौरान बिजली रूट गई, ईवान अंधेरे में डूब गया। रावलपिंडी के शहरी जहरीला पानी पीने पर मजबूर, कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज फैलने लगे। सीनियर खिलाड़ियों के पास बैट पर जमी गर्द झाड़ने का आखिरी मौका, लंकन और शाहीन आज फैसला कुल मैच में आमने सामने होंगे। तूफान मौसम होया बेईमान। लाहौर वालों पर बादलों की करम नवाजी, बरसे तो शहरी खुशी से गुनगुना उठे। कराची में साहिल तो है ही, लेकिन दो दरिया के भी क्या कहने, पत्थरों से टकराती लहरों से भीगने का अपना ही मजा। और सजना संवरना सिर्फ नाजुक का ऐसा शौक जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, पेशावर में ब्यूटी पार्लर्स का खूब चमकने का नया अंदाज़।